दोस्तों टिड्डा एक ऐसा कीट होता है जो अकेले रहना पसंद करता है, लेकिन अगर इस पर कोई मुसीबत आ जाए तो ये एक होकर झुंड बना लेते हैं। और अगर इन टिड्डों ने झुंड बना लिया है तो ये पेड़ पौधों की हरियाली को खत्म कर देते हैं। और यही कारण है कि इन टिड्डों को किसानों का दुश्मन कहा जाता है। इन टिड्डों के पास 6 पैर होते हैं, जिसके कारण ये काफी लंबी छलांग लगाने में समर्थ होते हैं। और अगर बात करें इनके आकार की तो इनकी लंबाई 5 सेंटीमीटर तक होती है। साथ ही इनके पास काफी लंबे पंख होते हैं जो इन्हें लंबी दूरी तय करने में मदद करते हैं। इन टिड्डों के पास हरा रंग होता है, जिसके कारण ये हरे पेड़ पौधों में आसानी से छिप जाते हैं। आपको बता दूं कि इस दुनिया में इनकी लगभग 11,000 प्रजातियां पाई जाती हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इन टिड्डों का जन्म कैसे होता है? अगर नहीं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों इस प्रक्रिया में सबसे पहले नर और मादा का मिलन होता है, और इनका यह मिलन लगभग 10 मिनटों का होता है। तो जैसे इनके मिलन की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है, उसके कुछ दिनों बाद ही मादा अंडे देने की अवस्था में आ जाती है। और इस दौरान ये अपना अंडा देने के लिए एक सुरक्षित और नमी वाले स्थान की तलाश करती है। तो जैसे ही इसे सुरक्षित स्थान मिल जाता है, उसके बाद ये अंडे देना शुरू करती है। और जैसे ही ये सारे अंडे दे देती है, उसके बाद ये अपने अंडों पर एक झाग जैसी चीज भी छोड़ती है, जैसा कि आप देख सकते हैं, जिसके बाद ये झाग मिट्टी से मिलकर अंडे के लिए सुरक्षा कवच बन जाता है। ये टिड्डे एक बार में 10 से 300 अंडे दे देते हैं, जो प्रजातियों के आधार पर निर्भर होता है। और जैसे ही अपने सारे अंडे दे देती है, उसके 8 से 10 महीनों बाद जब गर्मियों का मौसम आता है, तब इन अंडों से बच्चे निकलना शुरू होते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये बच्चे बहुत ही छोटे और प्यारे होते हैं, और इन्हें इस समय निम कहा जाता है। तो जैसे ही ये अपने अंडे से बाहर आ जाते हैं, उसके बाद ये सीधे पेड़ पौधों की पत्तियों पर टूट पड़ते हैं, क्योंकि पैदा होने के बाद ये सिर्फ खाने पर ही ज्यादा ध्यान देते हैं। अगर आप इन बच्चों को ध्यान से देखें तो ये आपको बिल्कुल वयस्क टिड्डे की तरह ही दिखाई देंगे, लेकिन छोटे होने के कारण इनमें बहुत से अंगों का विकास होना बाकी होता है। तो जैसे ही ये अपना खुराक शुरू करते हैं, उसके बाद ये सिर्फ रात को आराम कर पूरे दिन खाते रहते हैं, और इस तरह ये 25 से 30 दिनों में वयस्क की स्थिति में पहुंच जाते हैं। लेकिन इस समय इनके पंख विकसित नहीं होते हैं, जिसके लिए इन्हें लगभग 15 दिनों का समय और लगता है, जिसके बाद ये पूरी तरह से वयस्क हो जाते हैं। उसके बाद ये अपने साथी की तलाश कर मिलन की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। उसके बाद फिर से एक बार इनका जीवन चक्र शुरू हो जाता है। अगर बात करें इन टिड्डों के जीवन काल की तो इन टिड्डों का जीवन काल 5 से 6 महीनों का होता है। लेकिन अगर इस बीच बारिश का मौसम शुरू होता है तो चारों तरफ इनके लिए खाना ही खाना होता है, क्योंकि बारिश के समय हर जगह घास पत्तियां उगी होती हैं। और अगर इस बीच बारिश का मौसम खत्म हो जाए तो इनके लिए खाने की कमी हो जाती है, जिसके कारण ये झुंड में रहना शुरू कर देते हैं। और ये भूख में इतने पागल हो जाते हैं कि ये एक दूसरे को ही खाना शुरू कर देते हैं। और बीटल का जन्म कैसे होता है जानने के लिए स्क्रीन पर आ रहे वीडियो पर क्लिक करें। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो।